हाय फ्रेंड्स, अभी मंटू एमईडी क्लास में आपका स्वागत है। आज का जो टॉपिक है हमारा स्केल, स्केल अर्थात मापनी। मापनी क्या होता है इसको जनरली ये समझ लीजिए, किताबी लैंग्वेज तो आप किताब में ही पढ़ लेंगे। सिंपल में ये कहा जाए कि अगर 1 किलोमीटर लंबी रोड है उसको हम 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस द्वारा किसी ड्राइंग पर रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि ये लाइन हो गई, ये 1 किलोमीटर रोड को रिप्रेजेंट करेगी ये चीज़, तो इसको हम मापनी के थ्रू ही रिप्रेजेंट कर पाएंगे ड्राइंग में, तो वो होती है मापनी। स्केल, स्केल के टाइप्स कितने होते हैं, स्केल के डिफरेंट टाइप होते हैं, बहुत सारे टाइप प्रकार होते हैं। पहला जो टाइप है वो है सिंपल स्केल, सिंपल स्केल यानी साधारण मापनी। दूसरा है डायगोनल स्केल या विकर्ण मापनी। तीसरा आइसोमेट्रिक स्केल, वर्नियर स्केल, या चौथा वर्नियर स्केल, पाँचवा एकॉर्ड स्केल या जीवा मापनी, छठा है तुलनात्मक मापनी या कंपेरेटिव स्केल। जो डिप्लोमा में टॉपिक है वो है पहला और दूसरा, केवल ओनली प्लेन स्केल और डायगोनल स्केल से ही रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इससे आज का जो टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे केवल प्लेन स्केल या साधारण मापनी, और इसका हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे डायगोनल स्केल, नेक्स्ट वीडियो में इसकी बातें करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो प्लेन स्केल। इससे पहले हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि आपने लेटरिंग यानी अक्षरण की पूरी वीडियो कंप्लीट तरीके से देख लिया होगा और उसकी प्रैक्टिस भी बहुत अच्छे से कर लिया होगा। सिंपल स्केल कैसे सॉल्व किया जाता है इसको जानने से पहले एक चीज़ जान लें, ऐसे लिखा होता है निरूपक भिन्न, इसको कहते हैं RF, शॉर्टकट में R का होता है रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। इसका मतलब ये होता है कि वस्तु की ड्राइंग पर माप, बटे वस्तु की वास्तविक माप। ये देखिए RF जो होता है निम्नतम भिन्न, सॉरी निरूपक भिन्न, वस्तु की ड्राइंग पर माप बटे वास्तविक माप, ये होता है RF। RF का यूज कहाँ किया जाता है, मान लीजिए कि कोई क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि RF इतना है, RF मान लीजिए कि 1/40 है, और उसके बाद दिया हुआ है कि हमें इसकी ड्राइंग पे लेंथ निकालनी है। ड्राइंग पे लेंथ कैसे निकलेगी, मान लीजिए कि 15 दिया हुआ है या कुछ कोई भी नंबर दिया हुआ, तो इसका लेंथ निकालने के लिए इसमें RF में मल्टीप्लाई करा देते हैं तो वो ड्राइंग पर माप आ जाती है। एक हमारे सामने ये क्वेश्चन है, एक पूर्ण आकार की साधारण मापनी की रचना कीजिए तथा उस पर 7.4 एवं 11.8 सेंटीमीटर की दूरी अंकित कीजिए। इस क्वेश्चन को देखने के बाद हमने बताया था कि कोर्स में केवल दो टाइप्स हैं, डायगोनल और सिंपल स्केल, दो टाइप्स के स्केल हैं। तो आपको ये कैसे पता चलेगा कि ये डायगोनल है या सिंपल है, इसको पता करने के लिए ये जो नंबर दिए होते हैं, जो भी दूरियाँ दी होती हैं उसके अकॉर्डिंग पता की जाती है। अगर मान लीजिए कि किलोमीटर, मीटर और सेंटीमीटर तीनों डिस्टेंस की बात करी जाए तो वो होता है डायगोनल, डायगोनल या विकर्ण मापनी, ठीक है, विकर्ण मापनी अगर तीनों डिस्टेंस की बात करें तो। अगर केवल दो चीजों की बात करता है जैसे कि मीटर सेंटीमीटर, मीटर सेंटीमीटर, मिलीमीटर, किलोमीटर, इस टाइप से केवल दो ही चीज़ों की बात करता है तो वो होती है साधारण मापनी, सिंपल स्केल। इसमें देखिए आपको ये कैसे इसमें लग रहा होगा कि केवल एक चीज़ों की बात की गई है, 11.8 ये बता रहा है कि 11 सेंटीमीटर है तथा 8 मिलीमीटर है, तो इसमें दो चीज़ हो गई। अगर यही लिखा होता कि 11.84 तो इसमें ये मान लेते कि 11 सेंटीमीटर वो 11 पॉइंट इतना डेसीमीटर लिखा होता तो 11 मीटर हो जाता, मीटर हो जाता। और देखिए ऐसा लिखा हुआ 11.84 तो इसका मतलब ये है कि 11 मीटर होगा, 8 सेंटीमीटर होगा और 4 मिलीमीटर होगा, इस टाइप से लिखा जाता है। अब बात करते हैं अपना जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने के, कैसे क्या होता। जो अपना क्वेश्चन था ये था, एक पूर्ण आकार की साधारण मापनी की रचना कीजिए तथा उस पर 7.4
4 और 11.8 सेंटीमीटर की दूरी अंकित कीजिए। तो सबसे पहले बात आती है कि आरएफ कितना होगा। आरएफ वस्तु के पूर्ण आकार, वस्तु की सॉरी आरएफ हमने बताया था कि जो वस्तु की लंबाई होती है उसका तथा वस्तु की ड्राइंग पर लंबाइयों का अनुपात होता है। तो सबसे ऊपर होता है वस्तु की ड्राइंग पर माप, तो वस्तु की ड्राइंग पर माप कितनी होगी? 1, क्योंकि पूर्ण आकार की रचना हो रही है। और वस्तु की वास्तविक लंबाई भी कितनी होगी? 1, अपने मन से मान लिया जाएगा। जब अगर वास्तविक लंबाई और जब वास्तविक लंबाई और वस्तु पे ड्राइंग की लंबाई दोनों अगर सेम होती है तो उसको 1-1 मान लिया जाता है, अर्थात ये 1:1 या 1:1 आएगा। अब बात आती है कि वस्तु की वास्तविक लंबाई कितनी लेंगे या ड्राइंग पर लंबाई कितनी लेंगे। तो ड्राइंग पर लंबाई जब भी लेनी हो तो क्वेश्चन में अगर लिखा होगा कि पूर्ण आकार की मापनी बनानी है तो उसको हमेशा 15 सेंटीमीटर लिया जाता है। तो इसके लिए हम 15 सेंटीमीटर अपने मन से डिस्टेंस ले लेंगे और 15 सेंटीमीटर लंबी एक लाइन खींचेंगे। ये लिख देखिए, 15 सेंटीमीटर लंबी लाइन खींच लेंगे और इसको एक स्क्वायर बना लेंगे, सॉरी रेक्टेंगल बना लेंगे 15 सेंटीमीटर का। ये हमने रेक्टेंगल बना लिया। अब सिंपल स्केल या डायगोनल स्केल दोनों को ही सॉल्व करते समय इसको कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। डिवाइड ऐसे किया जाता है कि पूर्ण नंबर बने, जैसे कि 7.4 हमें रिप्रेजेंट करना है इसमें, तो 7 क्या है सेंटीमीटर, 4 क्या है मिलीमीटर। तो अगर हम इसको 15 खानों में डिवाइड कर दें तो हर एक खाना 1 सेंटीमीटर को रिप्रेजेंट करेगा, और जो पहला खाना होगा उसको 10 भागों में डिवाइड कर दें तो जो पहला खाना होगा उसका एक एक खाना 1-1 मिलीमीटर को रिप्रेजेंट करेगा। तो इस प्रकार हम सारे डिस्टेंस शो कर पाएंगे। तो हमारे सामने रेक्टेंगल बना हुआ है, इसको 15 भागों में डिवाइड करते हैं, यानी 1-1 सेंटीमीटर के लिए 10-15 लाइनें खींच देते हैं, तो 15 भागों में बराबर बराबर डिवाइड हो जाएगा। तो सबसे पहला काम इसको 15 भागों में डिवाइड करते हैं, उसके बाद बाकी बातें करते हैं कि क्या होगा, कैसे रिप्रेजेंट की जाएगी डिस्टेंस। ये देखिए 15 भागों में डिवाइड करना है, ये देखिए बराबर बराबर 15 भागों में हमने डिवाइड कर दिया। अब इस वाले लाइन से इसके ऊपर 5 mm ऊपर एक लाइन खींच दीजिए ऐसे, ठीक। अब ये जो पहला खाना है इसको छोड़कर यहाँ से आप नंबर डाल दीजिए 0 से लेकर जहाँ तक 14 तक। पहला खाना छोड़ दीजिए, इसको 0, इसको 0 मान लीजिए, उसके बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14 ऐसे नंबर डाल दीजिए। ये सारे नंबर आपको दिखाई न दे रहा हो लेकिन नंबर डालनी है। अब ये जो पहला खाना बचा है इसको हम 10 भागों में डिवाइड करेंगे, और 10 भागों में इसको भी डिवाइड कर लीजिए। जब इसको 10 भागों में डिवाइड करेंगे तो ये बहुत छोटी छोटी लाइनें बनेंगी। जो कि आपको शायद कैमरे में दिखाई ना दे। 10 भागों में जब इसको भी डिवाइड कर लेंगे तो अब देखिए यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से ये 0 से 14 तक 14 सेंटीमीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और प्लस ये एक टोटल यहाँ से यहाँ तक 15 सेंटीमीटर दूरी पढ़ने के लिए ये पर्याप्त है। अगर 15 सेंटीमीटर की दूरी हमें पढ़नी होगी तो इस स्केल के द्वारा पढ़ सकते हैं ये। अगर मान लीजिए कि हमें 7.4 ये दिया हुआ था क्वेश्चन में कि प्रदर्शित करनी है, तो 7.4 कैसे करेंगे? 0 से स्टार्ट करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो ये 7 सेंटीमीटर हो गया। अब बचा 0.4, तो ये जो पहले 10 खाने हैं उसमें लेफ्ट साइड में 4 खाने तक चले जाइए, तो जहाँ पर आए वहाँ पे ये डिस्टेंस रिप्रेजेंट कर दीजिए। तो वो 7 प्लस ये 0.4 हो जाएगा इधर राइट साइड में, 0 के पहले और 0 के बाद 7 हो जाएगा, तो वो 7.4 हो जाएगा। ऐसे ही 11 करनी है तो 0 से 11 तक जाइए, उसके बाद इधर 8 तक आ जाइए, तो इस प्रकार आपकी दूरी जो होगी प्रदर्शित की जाएगी। अब इसको डायगोनल स्केल कंप्लीट कैसे करते हैं, उसके लिए जो पहला ये पॉइंट होता है 0 से पहले वाला खाना, उसके एंडिंग पॉइंट से एक न्यून कोण बनाते हैं। न्यून कोण मतलब जो 90 डिग्री से कम हो, एक छोटी लाइन की एक लाइन खींचते हैं ऐसे। अब एक
ऐसा एंगल इस बनाते हैं, ऐसे ही एंगल बनाते हैं जो इससे बड़ा हो थोड़ा सा, ऐसे, इसका कोई नाप नहीं होता है, ये अपने मन से ही बनाया जाता है ऐसे ही। अब देखिए, अपने ड्राफ्टर को लीजिए और इस पॉइंट को इस पर प्रोजेक्ट कर दीजिए, जो लास्ट वाला पॉइंट है उसको इस पर प्रोजेक्ट कर दीजिए, जितने भी पॉइंट हैं उन सबको मिला दीजिए इस पर। सारे पॉइंटों को इस पर मिलाया जाता है, यही तरीका है स्केल बनाने की। देखिए, सबको मिला दीजिए। उसके पश्चात ये जो छोटी वाली लाइन थी इसको अपोजिट डायरेक्शन में ड्राफ्टर ऐसे रखिए और दसों पॉइंट को इस पे प्रोजेक्ट कर दीजिए दूसरी वाली लाइन पे। ये बहुत ही बारीक लाइनें होंगी, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, ऐसे ही 10 होंगी। मतलब ये कि एक खाना ये सेंटीमीटर को प्रदर्शित कर रहा है, एक खाना सेंटीमीटर को और ये मिलीमीटर को। अब ये तो हमारा ड्राइंग बन गया। अब ड्राइंग बनाने के बाद जो समस्या आती है कि दूरियों को प्रदर्शित करने के लिए 7.4, तो आप 0 से 7 तक मेजर कीजिए, 7 ये है पॉइंट, तो इस पॉइंट को आप ऊपर की तरफ बढ़ा दीजिए, ड्राफ्टर की सहायता से ऊपर बढ़ा दीजिए ये। अब 4 इस 0 से लेफ्ट साइड में 4 आइए, 1, 2, 3, 4, ये 4 आया हमारा, 4 इस पॉइंट को भी ऊपर बढ़ा दीजिए। ये जो बना इसको आपस में मिला दीजिए, ऐसे एरो बना दीजिए, तो ये कितनी डिस्टेंस रिप्रेजेंट किया, 7.4। अब दूसरा कौन सा था, 11.8 सेंटीमीटर की दूरी अंकित कीजिए, दूसरा था। अब 11.8 सेंटीमीटर 11 किधर जाएगा, 0 से 11 ये आया, तो 11 को ऊपर बढ़ा दीजिए। अब 11.8 था तो 0 से लेफ्ट साइड में 8 काउंट करिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 ये आया, इसको ऊपर बढ़ा दीजिए और इसको आपस में मिला दीजिए। मतलब ये है कि इसको, इसकी जो डायमेंशन है उसको दिखा दीजिए। ये हो गया 11.8 सेंटीमीटर। इस प्रकार ये साधारण मापनी बनती है। चलिए मान लेते हैं कि अभी तक आपको कुछ भी नहीं समझ में आया, एक नया क्वेश्चन लेते हैं फिर आपको समझाते हैं तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। नया क्वेश्चन ये है कि एक सड़क 8 किलोमीटर लंबी है, नक्शे पर 20 सेंटीमीटर की रेखा द्वारा प्रदर्शित की जाती है, एक मापनी बनाइए जो कि 600 हेक्टोमीटर पढ़ने के लिए पर्याप्त हो, मापनी 340 हेमी की दूरी अंकित कीजिए। मापनी पर 340 हेमी की दूरी अंकित कीजिए। ये 600 हेक्टोमीटर का मतलब ये होता है, 600 में अगर 10^4 का मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, इसी प्रकार इसको भी कन्वर्ट करना होगा। जो सड़क की लंबाई है, वास्तविक लंबाई है, वो 8 किलोमीटर है। अब इससे क्या निकालना होता है, सबसे पहले हमने बताया था कि RF निकालना है। RF होता है वस्तु की जो ड्राइंग पर माप होती है वो होता है। तो ड्राइंग पर माप मान लीजिए कि 1 है और वस्तु की ड्राइंग पर माप नक्शे पर जो दिया हुआ है, नक्शा यानी ड्राइंग पर 2 दिया हुआ है और वास्तविक लंबाई कितना दिया हुआ है, 8 किलोमीटर दिया हुआ है। तो किलोमीटर को किस में कन्वर्ट करेंगे, सेंटीमीटर में। किलोमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए आपको पता है कि 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मीटर में हो जाएगा, मीटर को किस में 100 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो सेंटीमीटर में हो जाएगा ये चीज़। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इसको सेंटीमीटर में ही क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं, हम इसको मीटर में भी कर सकते हैं, क्योंकि हमें जो वास्तविक लंबाई चाहिए वो ड्राइंग शीट के अंदर होनी चाहिए। मीटर में ले लेंगे लेकिन मीटर बड़ा हो जाएगा तो ये ड्राइंग शीट पे आएगा नहीं, सेंटीमीटर में ड्राइंग शीट पर ही आएगा। अब ये हो गया RF, RF की वैल्यू इतनी आ गई, इतनी सेंटीमीटर। अब जो ड्राइंग पर लंबाई निकालनी होती है, ड्राइंग पर लंबाई को L मान लीजिए कि जो नक्शा हम बनाएंगे अपने ड्राइंग शीट पर उसकी लंबाई कितनी होगी, तो उसकी लंबाई निकालने के लिए इसको 2 से काट दीजिए, 4 आ जाएगा। तो RF में मल्टीप्लाई कराना है जो ये हेक्टोमीटर पढ़ी जाने वाली मैक्सिमम दूरी है उसको मल्टीप्लाई करा देंगे तो
हमारी ड्राइंग की लंबाई आ जाएगी। ये देखिए, 1 2 3 4 5 3 2 5, ये हमारा आर एफ का वैल्यू था, ये आर एफ था यहाँ तक। आर एफ में अगर 600 हेक्टोमीटर की मल्टीप्लाई करा दें, ये 600 हेक्टोमीटर, हेक्टोमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10^4 का मल्टीप्लाई कराना पड़ता है, तो इसकी वास्तविक लंबाई ड्राइंग पर आ जाएगी। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 15 सेंटीमीटर आएगा। ये पहले तो मीटर में, वो हेक्टोमीटर में था, तो हेक्टोमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए 10^4 का मल्टीप्लाई कराना पड़ता है। तो ये आर एफ हेक्टोमीटर को मल्टीप्लाई करने के बाद 15 सेंटीमीटर आएगा। तो ये जो है एल, ये जो 15 सेंटीमीटर आया, ये ही होगी हमारी ड्राइंग पर माप। इसी लंबाई पे हम अपने स्केल को बनाएंगे। आइए बनाते हैं, कैसे बनाते हैं उसको। जो हमने ड्राइंग की लेंथ निकाली थी वो 15 सेंटीमीटर की निकाली, तो सबसे पहला काम ये करेंगे कि हम 15 सेंटीमीटर की लंबी लाइन खींच लेंगे और इसको हम क्या बनाएंगे, रेक्टेंगल। मतलब ये है कि 2 सेंटीमीटर का चौड़ाई लेकर एक रेक्टेंगल बना देंगे ऐसे। इसके बाद अब समस्या ये आती है कि हम इसको कितने भागों में डिवाइड करें। देखिए समस्या जो आती है, कैसे इसको कितने भागों में डिवाइड करना है, तो एक सिंपल सा समझ लीजिए कि 100 मीटर अगर है, 100 मीटर का ऐसे बना हुआ खाना, एक रेक्टेंगल बनाया है हमने, इसको इसी पे हमें ये लिखा है कि 9.5 मीटर डिस्टेंस रिप्रेजेंट करना है, तो हम इसको 10 भागों में डिवाइड करना उचित समझेंगे। 10 भागों में क्यों करेंगे, क्योंकि हर एक खाना जो होगा, 10 खाने हम बनाएंगे, 10 खानों में जो पहला खाना होगा वो एक एक सेंटीमीटर को रिप्रेजेंट कर देगा। सॉरी, 10 भागों में रिप्रेजेंट करेंगे तो पहला खाना 10 सेंटीमीटर को, दूसरा 10 सेंटीमीटर, तीसरा 10 सेंटीमीटर, इस प्रकार 100 सेंटीमीटर को रिप्रेजेंट करेंगे 10 खाने अलग अलग। और जो पहला खाना होगा उसको अगर 10 भागों में डिवाइड कर देंगे तो वो एक एक सेंटीमीटर को रिप्रेजेंट करेगा, तो इस प्रकार 9.5 मीटर रिप्रेजेंट कर पाएंगे या सेंटीमीटर कर पाएंगे। ऐसा ही ये देखिए 340 दिया हुआ है, इस पर अंकित करनी है, तो 340 में 3 हेक्टोमीटर होगा प्लस 40 हेमीमीटर होगा, तो ऐसे यहाँ से यहाँ तक कितने हैं, टोटल 600 हेक्टोमीटर है। 600 हेक्टोमीटर को अगर 6 भागों में डिवाइड कर दें तो जो पहला खाना होगा वो 100 हेक्टोमीटर, फिर दूसरा 100, तीसरा 100, चौथा 100, पांचवा 100 और उसके बाद छठा 100, इस प्रकार 600 हेक्टोमीटर रिप्रेजेंट हो जाएगा डिस्टेंस। तो इसको हम 6 भागों में डिवाइड करें, सबसे पहला काम 6 भागों में डिवाइड कर लीजिए बराबर बराबर डिस्टेंस लेकर। 15 सेंटीमीटर था, 15 सेंटीमीटर को बराबर बराबर भागों में 6 भागों में डिवाइड करने के लिए 2.5 सेंटीमीटर का अलग अलग खाना बन जाएगा। इस प्रकार ये 6 भागों में रिप्रेजेंट हुआ। अब इससे 2 मिलीमीटर ऊपर एक लाइन खींच दीजिए, जैसा कि पहले वाले क्वेश्चन में किया था, क्योंकि ये सेम टाइप का क्वेश्चन है। अब देखिए जो मेजर करनी है डिस्टेंस, यहाँ पे 0 लिखते हैं, ये 0 हो गया, ये 100 हेक्टोमीटर को रिप्रेजेंट करेगा, ये 200, ये 300, ये 400 और लास्ट वाला 500 हेक्टोमीटर को रिप्रेजेंट करेगा, और जो पहला खाना है ये अपने आप में एक 100 हेक्टोमीटर है, तो इस प्रकार ये टोटल 600 हेक्टोमीटर हो जाएगा, जो कि 600 हेक्टोमीटर दूरी पढ़ने के लिए पर्याप्त होगा। अगर इसको हम 7 भागों में डिवाइड कर देते तो ये जो नंबर 100, 200, 300, 400 आ रहे हैं ये ना आकर ये पॉइंट में आने लगते, और हम पॉइंट से बचना चाहते हैं, तो इसलिए पॉइंट में कभी ना आए, ऐसी डिस्टेंस में डिवाइड करते हैं। अब पहला खाना है, इसको हम 10 भागों में डिवाइड करेंगे, जो प्रत्येक खाना होगा वो 10 हेमीमीटर को रिप्रेजेंट करेगा, तो पहले खाने को किसमें, 10 भागों में, 1 2 3 4 5 6 8 9 और 10, ये 10 खानों में हमने डिवाइड कर दिया। सेम तरीके से जैसे पहले वाले क्वेश्चन में हमने एंगल लिए थे न्यून कोण या 90 डिग्री से कम एंगल, उस टाइप से इसमें भी एंगल लेने हैं, एक बड़ी एंगल लेना है, एक दूसरा छोटा एंगल, ये लीजिए। अब सारे पॉइंटों को इस वाले लाइन पे मिला देना है, पहले वाले को पहले में और दूसरे वाले जो पार्ट डिवाइड किए हैं उनको दूसरे में, इस प्रकार इसको मिला देनी है। अब ये जो है इसको
इसमें मिलानी है, इसको ऐसे मिला दीजिए, हल्का ऐसे मिला सकते हैं या फिर ऐसे मिला सकते हैं, जैसी आपको सुविधा लगे वैसे मिला सकते हैं, दोनों ही तरीके सही है। पहले क्वेश्चन में हमने सीधा उल्टा करके मिलाया था, इसमें हम सीधा ही मिला रहे हैं। ये बस इसलिए होता है ताकि ये अलग अलग डिस्टेंस दिखाया जा सके। अब देखिए, ये इसको 10, 20, 30, 40, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100, ये अपने आप में 100 तक रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी 100 हेक्टोमीटर को ये एक खाना रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हमसे क्या कहा गया था, ये तो हमारी स्केल बन गई। ऐसी जब ये आपका स्केल बन जाए, उसके बाद देखिए क्वेश्चन में ये लिखा हुआ था कि मापनी पर 340 हेमी की दूरी अंकित कीजिए। ये 340 हेमी क्या है, हेमी भी हेक्टोमीटर का शॉर्ट फॉर्म है। तो हेमी देखिए 340 लिखा हुआ है, तो इसको 300 और प्लस 40 समझ लीजिए, 300 प्लस 40। तो 300 अगर इस पर स्केल पर प्रदर्शित करनी है तो 0 से 300 यहाँ पर आएगा, ये पॉइंट है, इसको आप ड्राफ्टर से ऊपर बढ़ा दीजिए, जो ये 300 वाला पॉइंट है इसको ऊपर बढ़ा दीजिए, ये 300 हो गया, बच्चा कितना 40, 40 जीरो से पहले मेजर कर लीजिए, तो 10, 20, 30, 40, जहाँ पे आपका 40 ये पॉइंट आ रहा है, ये आ रहा है, 40 वाले को भी ऊपर बढ़ा लीजिए। इस प्रकार ये यहाँ से यहाँ तक 40 और यहाँ से यहाँ तक 300, तो टोटल यहाँ से यहाँ तक 340 हो गया, 340 हेक्टोमीटर या हेमी, हेमी उसका शॉर्ट फॉर्म है हेक्टोमीटर का। अब इसको एरो बनाकर मिला दीजिए, ये देखिए एरो बनाकर आपने मिला दिया, यहाँ पे 340 लिख दीजिए, 340 हेमी मीटर। इस प्रकार ये जो हमारा स्केल था ये कंप्लीट होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर भी करें।